प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से करनाल में खेल कुंभ का आयोजन किया जा रहा है। इसमें स्कूल के बच्चे बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रांतीय महासचिव सुशील शर्मा ने बताया कि हर वर्ष एसोसिएशन की ओर से खेल महाकुंभ का आयोजन किया जाता है, जिसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। इस खेल महाकुंभ में पेंटिंग प्रतियोगिता के अलावा छात्राओं के मध्य खेल प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें छात्राएं बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। इस अवसर पर प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के जिला प्रधान सुरजीत सिंह सुबरी ने कहा कि खेल सप्ताह के अंतर्गत विभिन्न लोकेशन पर छात्र छात्राओं के माध्यम से खेलों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बच्चे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि खेल मानसिक के साथ साथ शारीरिक विकास में भी बेहतर योगदान देते हैं, इसलिए हरियाणा सरकार भी खेलों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार की नीतियां बना रही है, जिसमें भाग लेकर खिलाड़ी शारीरिक विकास के साथ साथ रोजगार के अवसर भी प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने खिलाड़ियों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि यही खिलाड़ी आगे चलकर प्रदेश में, देश में व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करनाल का नाम रोशन करेंगे। इस अवसर पर प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन से जुड़े सभी पदाधिकारी, स्कूल का स्टाफ व छात्र छात्राएं मौजूद रहे। बेटा गेम में आए हो, क्या कहना चाहें? हमें यहाँ आके बहुत मजा आया और हमारा शारीरिक विकास भी बढ़ा और हमें ऐसे ऐसे खेल रोज खेलना चाहिए। हाँ बेटा, क्या ऐसे ऐसे खेल बहुत प्रकार से होने चाहिए जिससे लोगों को हवा खुले और लोग मतलब ऐसे ऐसे कॉम्पिटिशन हर जगह होनी चाहिए, जो जीत जाते हैं उनको नीचे नहीं दिखाना चाहिए, जो हार जाते हैं सबको ही साथ लेके चलना चाहिए। खेलों में आए हो आप, हम कहना चाहते हैं कि भाई सभी बच्चों को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, किसी को पीछे नहीं रहना चाहिए। हार जीत मायने नहीं रखती, सबसे बड़ा मायने रखता है कि हम कंपटीशन में चढ़े हैं, हमें उतरे हैं उसमें। खेलने से हम स्वस्थ भी होते हैं, तंदुरुस्त भी होते हैं और स्टेमिना भी बढ़ता है हमारे से। तो ये कहना चाहूँगी भी कोई बच्चा ये ना सोचे कि भाई जो कोई टीम आई है उसे देख के डरे ना कि भाई ये तो बहुत ज्यादा बड़ी टीम होगी, स्ट्रांग होगी। हमें अपनी गेम दिखानी चाहिए, हाइट कोई मायने नहीं रखती, हमें अपनी गेम दिखानी चाहिए। क्या कहना चाहिए? मैं भी यही कहना चाहूँगी कि जो उन्होंने बोला सही बोला, हमें मतलब गेम में देखना चाहिए, हमें उनकी हेल्थ या फिर उनकी हाइट से नहीं डरना चाहिए, हमें अपना गेम दिखाना चाहिए, हमें अपना बेस्ट करना चाहिए। दूसरे को हमें कोई क्या खेल रहा है या फिर नहीं खेल रहा, हार जीत मायने नहीं रखती। अगर हम हार भी हम हारे भी है तो हमने कुछ तो खेला है, और हम जीते हैं तो हमने कुछ तो हासिल की है जीत। एड्रेस प्राइवेट स्कूल हरियाणा की करनाल यूनिट के द्वारा ये खेल सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जिला भर के प्राइवेट स्कूलों के बच्चे भाग ले रहे हैं। 7 दिन तक चलने वाली इन प्रतियोगिताओं में वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, ये सारी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। कल विजेता स्कूल में खो खो की टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, आज ये खो खो की टूर्नामेंट चल रही है जो लड़कियों के लिए है, और बच्चे पूरे उत्साह के साथ इसमें भाग ले रहे हैं। हमारी हार्दिक इच्छा ये रहती है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जो जो भी हम अच्छा काम कर सकें वो हम समय समय पर करते हैं, और बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए, उनके बौद्धिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास के लिए इन खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ठीक नहीं हुआ दोबारा उसको डिलीट। हाँ जी, मैं सुरजीत सुबरी, प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन। ये यहाँ एक खेल महाकुंभ चल रहा है, खेल सप्ताह के रूप में आप फेडरेशन की तरफ से इसको मना रहे हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हमने परसों अनुपम शिक्षा निकेतन कुटेल में पेंटिंग कंपटीशन रखा, जिसमें बच्चों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया और जिसमें हमने बड़े ज्वलंत मुद्दों को उठाया, जैसे कि जल संरक्षण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आज की जो ज्वलंत समस्या है प्रदूषण, उसके विषय पे बच्चों ने बहुत ही सुंदर और मनोरम चित्र बनाए और उसमें विभिन्न स्कूलों ने भाग लिया जिला भर से, और आज ये यहाँ खेल प्रतियोगिताएं हो रही हैं, जिसके अंतर्गत कल यहाँ वॉलीबॉल की प्रतियोगिता हुई, जिसमें गोल्डन पब्लिक स्कूल ने ट्रॉफी पर कब्जा किया, प्रथम स्थान रहा, और अनुपम शिक्षा निकेतन कुटेल उप विजेता रहा, और आज ये खो खो की प्रतियोगिता यहाँ पर हो रही है, और कल JP पब्लिक स्कूल में कबड्डी की प्रतियोगिता होगी, और परसों सेक्टर 32 में वहाँ बड़े मैदान में एथलेटिक्स की प्रतियोगिताएं की जाएंगी। हमारा ध्येय यही है, हमारा उद्देश्य यही है कि हम बच्चों में सर्वांगीण विकास करें, उनका बौद्धिक विकास भी हो, उनका शारीरिक विकास भी हो, उनका मानसिक विकास भी हो,
इसी प्रकार की इन्हीं भावनाओं को लेकर के हम बच्चों की प्रतियोगिताएं करवा रहे हैं। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।